आए बिल्डर हरीश गहलोत कुछ सोचे समझे नहीं, सीधा थप्पड़ मारने लगे। कैलाश गहलोत जी के भाई हैं, वो दिल्ली मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के भाई हैं। वो अपने कुछ गुंडों के साथ आए और आने के बाद सीधा मंदिर की जो मूर्तियाँ थी उनको उठा करके वहाँ से तोड़ के बड़ी बुरी तरीके से वहाँ कूड़े के वहाँ फेंक दिया। और सोसाइटी की एक बहन जिन्होंने पुरजोर विरोध किया, तो ऐसा नहीं है कि वो ये सोचते हैं कि दमंगपना दिखा के ये सब चीज़ें स्थापित कर सकते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। सक्सेसफुल कार्रवाई की जाए, महिलाओं के सामने अभद्रता का व्यवहार किया गया, धमकी दी गई है, गुंडागर्दी दिखाई गई है, एक गैंग की तरह आए हैं। बिल्कुल सत्ता का नशा उनके ऊपर सरोवर दिख रहा है, और इतनी बड़ी सोसाइटी के अंदर इतने सारे लोगों की आस्था के साथ अगर उन्होंने खिलवाड़ की है तो निश्चित ही कार्रवाई बनती है और आगे कार्रवाई जरूर होगी। तो तरीका नहीं है कि आप अपने साथ बाउंसर लेके आओ और गुंडागर्दी करके धमका के लोगों को, गार्ड को पीटना, गालियाँ देना, ये सब चीज़ें तो गलत है। मुझे तो बोला कि तुम्हें तो मैं देख लूँगा। जी बिल्कुल, गाली गलौज किया गया है, लेडीज के सामने गाली गलौज किया गया है। प्लीज गाली ना दें, यहाँ औरतें भी बैठी हैं, खड़ी हैं ना। बहन बहुत सस्ती है क्या? बहन सस्ती है क्या? बहन को गाली मत दो, गाली मत दो। कह दो ये भी झूठ, गाली गलौज क्यों कर रहे हो? बहन बहन क्या बहन? सबसे सस्ती बहन माँ, माँ बहन सबकी है। गाली मत दो, गाली मत दो माँ बहन। औरतें खड़ी हैं, औरतें। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत के भाई ने, सत्ता के नशे में चूर हरीश गहलोत ने गुरुग्राम के किस सोसाइटी में मचाया जमकर बवाल, अपने बाउंसरों को साथ लेकर मंदिर की तोड़फोड़ की, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, महिलाओं से गाली गलौज की, यहां तक कि गार्ड को अपने बाउंसरों से पिटवाया, बताएंगे सारा कुछ इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24 और मैं हूँ आपके साथ वीरू फौजदार। बता दें कि जन्माष्टमी के दिन की घटना है, जिस दिन पूरा देश कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहा था, उसी दिन दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के भाई कैलाश गहलोत के भाई हरीश गहलोत ने ब्रिक्स लुमनी सोसाइटी में घुसकर बड़ा आतंक मचाया, मंदिर को तोड़ा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, महिलाओं को गाली गलौज की, यहाँ तक कि गार्ड को भी अपने बाउंसरों से पिटवाया। क्या है पूरा मामला, यहाँ के कुछ सोसाइटी वासियों से जानने की कोशिश करते हैं। आइए इनसे पूछते हैं क्या कुछ के इनका कहना है। जिन महिलाओं के साथ केविन दिल्ली के मिनिस्टर के भाई ने बदतमीजी किया, अभद्र व्यवहार किया है, कुछ महिलाएं हमारे साथ में स्थित हैं, इनसे पूछते हैं क्या कुछ मैटर था, किस तरीके से क्या हुआ। मैडम क्या कुछ हुआ था? मंदिर के पास आए थे वो लोग, मंदिर में जो मूर्तियाँ रखी थी उनको हटाया और उठाकर फाउंटेन के पास में रख दिया। जब उनको बोलने लगे कि ऐसा मत करो, आराम से बात करो, तो बोल रहे कि आप कौन हो, कौन हो आप, बार बार यही बोल रहे थे। तो बोला कि रेजिडेंट है, पैसे दिए हैं, फ्लैट खरीदा है। पहले आ जाते, बात करने का तरीका होता था, RWA को लेटर देते कि एंक्रोचमेंट है, गलत तरीके से बना रहे हैं। बट ये कोई तरीका नहीं है कि आप अपने साथ बाउंसर लेके आओ और गुंडागर्दी करके धमका के लोगों को, गार्ड को पीटना, गालियाँ देना, ये सब चीज़ें तो गलत है। मुझे तो बोला कि तुम्हें तो मैं देख लूंगा और मानहानि का केस करूंगा। आपको धमकी देकर गए थे? ऑफ कोर्स, मुझे धमकी दी थी, बोले कि तुम्हें तो मैं देख लूंगा और तुम्हारे ऊपर मैं मानहानि का केस करूंगा। थैंक यू। देखिए इस प्रकार से जो दिल्ली के मिनिस्टर हैं उनके भाई यहां पर महिलाओं को धमकी देकर गए, उन्हें देखने तक की बात कहकर गए, बाउंसरों के साथ आते हैं, सोसाइटी में दबंगई करते हैं, दादागिरी करते हैं। और भी हमारे साथ में मैडम, क्या कुछ मामला था, किस तरीके से हुआ? उस दिन वो आए हैं 11:30-12 बजे। कौन आया था, नाम बताइए? जी हरीश गहलोत जी आए थे अपने बाउंसर्स के साथ। पहले तो उन्होंने गार्ड को मारा, फिर वो जाके अपने एक ऑफिस में बैठ गए। फिर वहां से जब पुलिस वाले उनको लेके आए तो उन्होंने, हम सब यहाँ पे खड़े हुए थे, सबको बोलना शुरू कर दिया मैं देख लूंगा। पहले गाली गलौज करी, फिर जब हमने बोला हम तो रेजिडेंट्स हैं यहाँ के, आप हमारे साथ ऐसे कैसे बर्ताव कर सकते हो, आराम से बात करने का भी तरीका है, तो वो साफ बोलते हैं कि आप लोग कौन हो, मैं रेजिडेंट से फ्लैट खरीदा हुआ है। अब जबकि ये साबित हो गया है कि यहाँ पे हमारा मंदिर बना हुआ है, आप आ जाओ, बोल दो कि जिस चीज को हटा दो, कहने का एक तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि आप आओगे, तोड़फोड़ करोगे, हमारे मंदिर की मूर्तियों को इस तरह से विस्थापित कर दोगे, ये कोई तरीका नहीं हुआ। ये हमारी भावनाएं पूरी तरह से आहत हुई हैं इसमें। गाली गलौज भी किया गया? जी बिल्कुल, गाली गलौज किया गया है, लेडीज के सामने गाली गलौज किया गया है।
सबको, दो लेडीज़ को ये धमकी दी गई है कि हम, मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं आपको देख लूँगा। तो हमने तो इसके खिलाफ पुलिस में जाके कंप्लेन दर्ज करवाई है। अब पुलिस से उम्मीद है कि वो क्या इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अगर कल को आपके साथ कोई हादसा होता है, कोई घटना होती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, अगर मंदिर को रिलेटेड अगर आप पूछेंगे कि जो रेजिडेंट्स वहाँ पे खड़े थे और उनके साथ मंदिर को रिलेटेड कोई दुर्घटना होती है, कुछ कारणवश कुछ होता है, तो हरीश गहलोत के ऊपर इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। जिस गार्ड के साथ दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के भाई ने अपने बांसरों के साथ हाथापाई की है, वो गार्ड हमारे साथ में स्थित हैं। इनसे पूछते हैं क्या कुछ मामला था। क्या पहले अपना नाम बताइए भाई साहब। नाम है छोटे लाल को। छोटे लाल जी, क्या कुछ मैटर है, कैसे क्या हुआ? अपने ड्यूटी के दौरान हम लोग पोस्ट पे थे, वो आए बिल्डर हरीश गहलोत, कुछ सोचे समझे नहीं सीधा थप्पड़ मारने लगे। उसने बोले मंदिर किसने बनवाया, क्यों बनाया, अंदर कैसे जाने दिया, यही बात है सर। तो आपको मारा था? जी सर। तो क्या गाली गलौज भी की गई आपके साथ, बांसरों ने आपके साथ दादागिरी की? दिल्ली के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं कैलाश गहलोत के भाई हरीश गहलोत खुद थे साथ में? जी सर, जी सर। तो आपको मारा? जी सर। सोसाइटी के कुछ मेंबर्स हमारे साथ में स्थित हैं, इनसे पूछते हैं क्या कुछ मैटर है, क्या कुछ मामला था। भाई साहब, क्या कुछ मैटर था? ये मंदिर RWA के द्वारा स्थापित, प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद स्थापित किया गया था, जिसके कुछ दिन के पश्चात जो बिल्डर है कैलाश गहलोत जी के भाई हैं, वो दिल्ली मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के भाई हैं, वो अपने कुछ गुंडों के साथ आए और आने के बाद सीधा मंदिर की जो मूर्तियां थी उनको उठा करके वहाँ से तोड़ के बड़ी बुरी तरीके से वहाँ कूड़े के वहाँ फेंक दिया। क्या मंदिर को भी तोड़ा गया है? बिल्कुल जी, मूर्तियों को खंडित करके कूड़े के अंदर डाला गया। तो क्या कुछ मांगे हैं आपकी, क्या कुछ? हमारी तो प्रशासन से यही मांग है जी, जिन लोगों ने मंदिर को खंडित किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, धार्मिक भावनाओं को फैलाने का मुकदमा दर्ज किया जाए, और जो गार्ड से और सोसाइटी के जो लोग हैं, जो सोसाइटी के साथ अभद्रता की गई है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनों के तहत कार्रवाई की जाए। ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो तोड़फोड़ की है जिस मंत्री के भाई ने, उसके खिलाफ ये मामला दर्ज कराना चाहते हैं। कुछ लोग और भी हैं। सारे क्या कुछ मैटर था, किस प्रकार से क्या हुआ? सोसाइटी के अंदर जिस तरह से जघन्य अपराध कहूँगा मैं तो इसको, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे धर्म के खिलाफ अगर कोई खड़ा होगा तो निश्चित ही उसका कड़ा पूर्व विरोध होगा। और जो किया हमने उसी दिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे, और सोसाइटी की एक बहन जिन्होंने पुरजोर विरोध किया, तो ऐसा नहीं है कि वो ये सोचते हैं कि दमंगपना दिखा के ये सब चीज़ें स्थापित कर सकते हैं कि हम कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे वो मिनिस्टर हो अरविंद केजरीवाल की सरकार का, चाहे कोई गुंडा बदमाश हो, यहाँ स्थानीय लोग उनको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, ये निश्चित है, और ऐसा उनको नहीं करने देंगे। दिल्ली के मिनिस्टर का भाई गुड़गांव में इस तरीके से दबंगई कर रहा है, यहाँ पर सरकार भी बीजेपी की है, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, सरकार किसी की भी हो, गलत तो गलत है, चाहे वो दिल्ली की सरकार का मिनिस्टर का भाई हो, चाहे कोई भी हो, कानून सबके लिए है। और किसी की धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तो वो हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कुछ महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई, क्या कुछ गाली गलौज? जिस तरह से हमें पता लगा है, वो बहन जी हमारी जो यहाँ सोसाइटी में रहती हैं और यहाँ की वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो उनके साथ जिस तरीके से भद्र भाषा का प्रयोग किया गया, गाली गलौज की गई, वो वाक्य में निंदनीय है, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आगे अगर इस तरह की दोबारा अगर हरकत होती तो वो तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, और उसका पूरा संगठन की दृष्टि से हम पूरा विरोध करते हैं। सोसाइटी की लोग सभी साथ हैं, पूरा समाज साथ है, पूरा हिंदुत्व साथ है। देखिए, जो मंदिर को तोड़ा गया है उसके खिलाफ सोसाइटी के सदस्य हैं, ये लोग धार्मिक भावनाएं इनकी आयत हुई है, मंदिर को तोड़ा गया है उसके खिलाफ जो बिल्डर है उसके खिलाफ मामला दर्ज कराना चाहते हैं, सरकार से इसकी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं। और भी लोग हैं, क्या कुछ मैटर था भाई साहब, किस तरीके से जो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उसके भाई यहाँ आए, दबंगई की, अपने बांसरों के साथ आए? ये पहला मामला नहीं है गुड़गांव में बांसर इस प्रकार की घटनाएं को अंजाम देते हैं। देखो, दबंगई तो वो पहले भी करते रहे हैं इधर, उन्होंने कहते हैं कि हद पार कर दी। एक हमारे जो शिवालय जो धार्मिक भाव से सब काफ़ी यहाँ के निवासियों ने जो स्थापित किया था, वो 1.5 महीने पहले स्थापित किया था जी,
पूरे धर्म कर्म के साथ, उन्होंने श्रद्धा के साथ, इधर पूरी आस्था के साथ उन्होंने स्थापित किया था। विशेषकर जन्माष्टमी के दिन जो उन्होंने अपराध किया एक किस्म से और शिवालय को तोड़ा और बिल्कुल भावना को ऐसा आहत किया है, सोसाइटी में दबंगई दिखाई, ना RWA से परमिशन ली उन्होंने, ना RWA से कुछ लिखित में दिया, शिकायत दर्ज कराई, कुछ भी नहीं, उनको सीधा दबंगई दिखाई जी उन्होंने आके। मंदिर को क्यों तोड़ा उन्होंने? मंदिर को उनके भाव ही नहीं है जी, उनको मुख्य रूप से बताऊं उन्होंने हमारी भावना को जो होते हैं ना, उन्होंने गुंडाई दिखा के कि वो अपने आप को ये दिखाया कि मैं ही सब कुछ हूँ। हरियाणा सरकार से क्या कुछ हरियाणा सरकार से ये दरखास्त है जी, सक्सेसिव कार्रवाई की जाए, महिलाओं के सामने अभद्रता का व्यवहार किया गया, धमकी दी गई है, गुंडागर्दी दिखाई गई है, एक गैंग की तरह आए हैं, बहुत गलत किया है। हम हरियाणा सरकार से दरखास्त करेंगे कि जिस महिला को इन्होंने धमकी दी है सरेआम कि मैं तुम्हें देख लूँगा, और सरेआम जो अभद्रता का व्यवहार किया गया उसके खिलाफ प्रशासन पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई FIR दर्ज करें। महिला को धमकी भी देकर गए? बिल्कुल देके गए हैं जी, फोटो गए हैं, कैमरे के सामने, वीडियो के सामने इन्होंने धमकी दी है कि मैं तुझे देख लूंगा। देखिए, जो दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनके भाई एक महिला को धमकी भी देकर गए हैं कि आने वाले समय में आपके साथ कुछ गलत होने वाला है और कुछ लोग हमारे साथ में स्थित हैं। किस प्रकार से मैटर बढ़ा, क्या कुछ मामला था? सर देखो, यहाँ पे मंदिर बना रहे थे, 2 महीने पहले स्थापित हुआ था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, बिल्डर का यहाँ ऑफिस भी है, उनका डेली का आना जाना भी था यहाँ पे, तो उनको कोई आपत्ति नहीं हुई। जब 2 महीने से उन्होंने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई तो सभी सोसाइटी मेंबर्स ने ये सोचा कि बिल्डर को कोई आपत्ति नहीं है, तो आपत्ति नहीं है तो मंदिर का सौंदर्यकरण किया जाए। जब सौंदर्यकरण चालू किया गया विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट कोई सूचना दिए, वो आए और उन्होंने मंदिर को के जो मूर्तियां हैं उनको उठाया और हमारे मंदिर की 2-3 मूर्तियां खंडित भी हो गई, उठा के पार्क पे रख दिया। अगर बिल्डर का कहना है कि ये मेरी ज़मीन है, अगर उनकी ज़मीन भी है तो उनको प्रॉपर एक नोटिस देना चाहिए था, सोसाइटी मेम्बर्स को और RWA को एक टाइम देना चाहिए था कि आप गलत जगह पर मंदिर बना रहे हो, जो उसका एक संवैधानिक और सही तरीका होता है, लीगल तरीका, वो अपनाना चाहिए था, जो कि नहीं अपनाया गया। देखिए, किस तरीके से दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के भाई यहाँ पर गुड़गांव हरियाणा में दबंगई कर रहे हैं, बांसरों के साथ दबंगई करते हैं, एक जो मंदिर बनाया था उसको उखाड़ दिया, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज किया, गार्ड को यहाँ तक थप्पड़ लगाए, और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ में भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष अमित जी हैं। अमित जी, आपकी सरकार में इस तरीके से घटनाएं बार बार हो रही हैं। देखो, मैं इस घटना की है ना बहुत निंदा करता हूँ, और बिल्डर की मानसिकता दर्शाता है कि हमारे हिंदू धर्म में जो है हम शिवालय स्थापित करते हैं, मंदिर बनाते हैं, मंदिर जिसने खंडित किया है ना उसको वो हमारे परमपिता परमेश्वर भी देख रहे हैं, भगवान देख रहा है, और उनको सरकार भी जो है हमारी BJP की जो सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे केंद्रीय मंत्री राव, सब देख रहे हैं, और जल्दी ही एक उचित कार्रवाई मुझे लगता है कि इसके ऊपर होगी। गुड़गांव में पहली बार नहीं है, आए दिन गाड़ों के साथ मारापीटी हो रही है, बांसरों को अपने साथ लेकर दबंगई की जा रही है, गुड़गांव में इस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमरा रही है। देखो, मैं दबंगई की तो ये कहता हूँ कि किसी की मानसिकता है, गुड़गांव बड़ा शांतिपूर्ण है, अगर किसी की मानसिकता ओछी है तो उस ओछी मानसिकता को धीरे धीरे बदला जा रहा है, और कानून अपनी कार्रवाई करेगा और जो है इस पर उचित कार्रवाई होगी। भगवान शिव का जो शिवालय स्थापित किया है हमारी सोसाइटी के लोगों ने, और मैं इसमें जो है बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और हमारे संघ के जितने भी साथी हैं मेरे बड़े, उन्होंने जैसे आके यहाँ पे इनकी मदद की है सोसाइटी की, और मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आज भगवान हनुमान जी का सुंदर कांड का पाठ हो रहा है सोसाइटी वालों और सभी की मदद से, भगवान हनुमान जी जल्दी ही जितनी भी विपदाएँ आ रही है मंदिर की तरफ से उनको दूर करेंगे, और भगवान शिव का जो है जो ये स्थान है उसको परिपूर्ण पूर्णतः से जो है बनाया जाएगा। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के भाई हरीश गहलोत यहाँ पर दबंगई करते हैं, क्या उन पर सत्ता का नशा है? बिल्कुल सत्ता का नशा उनके ऊपर सरोवर दिख रहा है, और इतनी बड़ी सोसाइटी के अंदर इतने सारे लोगों की आस्था के साथ अगर उन्होंने खिलवाड़ की है तो निश्चित ही कार्रवाई बनती है और आगे कार्रवाई ज़रूर होगी। क्या आपकी सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर किसी राजनीतिक दबाव के कारण यह मामला यहीं थम जाएगा? ये राजनीतिक दबाव का तो मैं नहीं कहूँगा, ये आस्था का जो है, हमारी आस्था के ऊपर ठेस पहुँचाने का काम है, और जब भी
हमारे ऊपर ऐसे ही हिंदुओं के ऊपर जब भी ऐसी कोई बात आई है हमारे ऊपर आक्रमण किया गया है तो हमने आगे बढ़ के हमेशा सामना किया है। और आप देख लीजिए कि आज जो है सभी के सभी इस मंदिर की स्थापना के लिए सभी हर वर्ग का लोग जो है आया हुआ है। और मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि आइए और जो है इस क्या हरियाणा सरकार को क्या हरियाणा सरकार को योगी फॉर्मूला अपना जाना चाहिए। एक तरफ नोएडा में जहां श्रीकांत त्यागी का घर तोड़ दिया गया, देखो मैं उस फॉर्मूले की नहीं हूँ, हमारे जो हैं मुख्यमंत्री जी है जो हमारा प्रशासन है या हमारे जो है कैबिनेट मिनिस्टर हैं या हमारा कैबिनेट जो सरकार है वो अच्छे तरीके से काम कर रही है। किसी चीज़ को पहले किया जाता है बाद में, और मैंने ये कहा कि आस्था का सवाल है, आस्था के आगे मैं सरकार को थोड़ा छोटा मानता हूँ। आस्था हमारी बहुत बड़ी है, हिंदू तो हमारा बहुत बड़ा है और हमें घमंड है कि हम हिंदू हैं। और जब भी उसके ऊपर ऐसी कोई आँच आई है या किसी ने उनको कुरेदने की कोशिश करी है तो हमने हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लिया है। हमारे जो हैं चाहे महाराणा प्रताप देख लीजिए, आप शिवाजी देख लीजिए, लड़ते आए हैं, हमेशा लड़े हैं और हिंदुत्व की स्थापना करी है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, तो मुझे घमंड भी है हिंदू होने पर और मुझे नाज भी है और परेशानियां आती रहती हैं। इकट्ठा होना और आज जो इकट्ठे हो रहे हैं ये हमारे लिए सबसे बेहतर बात है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हम सब एक हैं और मंदिर अगर स्थापित हो रहा है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। अब देखते हैं कि कब तक हरियाणा सरकार इस मामले की गुत्थी को सुलझाती है। जो आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर हैं उसके भाई ने यहाँ पर जिस प्रकार से तोड़फोड़ की है, बांसरों को साथ लेकर गुंडागर्दी की है, उस पर हरियाणा सरकार किस प्रकार से एक्शन लेती है? क्या जो मंदिर तोड़ा था, जो हिंदुओं की धार्मिक भावना को आयत किया था, उस पर सरकार कितने जल्दी एक्शन लेती है? क्या जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में गालीबाज त्यागी पर सरकार ने एक्शन लिया, उसी प्रकार क्या हरियाणा सरकार भी इस गालीबाज बिल्डर्स और मंत्री के भाई पर एक्शन लेगी? क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर किसी राजनीतिक दबाव के कारण यह मामला यहीं जब जाएगा? इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी लोगों तक सही समय तक पहुंच सके। अधिक जानकारी के लिए आप अभी फॉलो करें सिटी न्यूज 24। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव राठौर के साथ मैं वीरू फौजदार, गुरुग्राम।